जय श्री राम दोस्तों, आज तारीख है 8/12/2023, दिन है शुक्रवार और सुबह के बज रहे हैं 8। आज का ब्लॉग स्टार्ट है, हम हो चुके हैं, देख सकते हैं नहा धोके रेडी और अब चलते हैं नीचे, करते हैं पूजा पाठ। पूजा पाठ हमारी हो चुकी है और हमारा नाश्ता आज सुबह नाश्ते में आपको दिखाते क्या है। नाश्ते में हमारा है आज पंचरत्न नमकीन और दिखाते हैं आलू मटर की सब्जी और सेब और अपना भैंस वाला दूध देख सकते हैं पीते हैं इसमें। पे आ चुके हैं और अपना पिकअप भी आ चुका है और पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और गाड़ी हमारी पीछे लोड हो रही है, दिखाते हैं आपको गाड़ी लोड होते हुए। और हमें जाना है सलमपुर से छतरपुर और देखते हैं रास्ते में छतरपुर मंदिर पड़ेगा तो आपको जरूर दिखाएंगे और चलते हैं, दिखाते हैं आपको गाड़ी लोड होते हुए। फ्लाईओवर पे और सीधा आईआईटी बस अड्डे होते हुए निकलेंगे और देख सकते हैं आपको आईएसबीटी कश्मीरी गेट पार कर दिया है और हम पहुंच चुके हैं आईटीओ, देख सकते हैं आप लोग आईटीओ का फ्लाईओवर है और फिर उतर रहे हैं नीचे। आश्रम होते हुए निकलेंगे लाजपत नगर और साउथ एक्स होते हुए ये हमारे जो घर के ऊपर आ रहा है ड्राइवर से 12 पुला कहा जाता है, इस पर हमारी गाड़ी अलाउ नहीं है वरना इससे और जल्दी पहुंच जाते, इस पर हमारी गाड़ी ऐसी नहीं है। ये इसका रास्ता है, हमें जाना है सीधा लगभग 6.5 किलोमीटर है छतरपुर मंदिर और निकल रहे हैं धीरे धीरे और काफ़ी का जाम भी है देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है ये। पहुँचते हैं छतरपुर और दिखाते हैं आपको, फाइनली छतरपुर पहुँच चुके हैं और आगे जाएंगे तो छतरपुर मंदिर पड़ेगा और हमें यहाँ से 500 मीटर दूर जाना है। पहुँचते हैं और चलवाते हैं माल और छतरपुर मंदिर अगर दिखेगा तो जब दिखाएंगे। मन आ चुका है और देख सकते हैं लोग सामने, यही है छतरपुर मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है ये, यहाँ से एंट्री है गेट की। चलते हैं लोकेशन पे, पहुँच गए हैं और तेरापति भवन छतरपुर में पड़ता है, उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे गाड़ी और यहीं उतरवाएंगे अपना सामान, आगे लेते हैं।
चलना स्टार्ट हो चुका है और उतरवाते हैं और निकलते हैं दूसरे पिकअप के लिए। अगर आता है तो अभी रिजल्ट वेट करेंगे। उतार दिया है सामान और अब निकले चुके हैं और अभी फिलहाल कोई पिकअप के पास नहीं आई है। आती है तो फिर तो देखते हैं कहाँ की आती है, कंफर्म नहीं है कहाँ की आएगी और आएगी तो जाएंगे जो और निकल चुके हैं फिलहाल तो। कब आ गया अपना और काफ़ी लेट आया है, बज रहे हैं 4:45 अपने पास बचे हैं। जो एंट्री होने वाली है और माल रोड है, हमें जाना है नोएडा और निकल चुके हैं लगभग और अक्षरधाम पहुंच चुके हैं। यही तक 10 मिनट तो हमें लगेंगे बॉर्डर पार करने में, करते हैं बॉर्डर पार और नोएडा में एंट्री। अक्षरधाम मयूर विहार हमने पार्क कर दिया है और अब हम नोएडा में एंट्री करने जा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं नोएडा जो टोल बना हुआ है, इसमें पार करने के बाद हम नोएडा में आ जाएंगे। और ये देख सकते हैं आप लोग, रेड लाइट हो चुकी है, रेड लाइट खुलेगी तो अभी आगे बढ़ेंगे। रेड लाइट खुल चुकी है और हम अभी कर रहे हैं और यही जो रेड लाइट है इसे पार करने के बाद हम नोएडा में एंट्री कर जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, आप नोएडा में एंट्री कर चुके हैं। हमें जाना है याकूबपुर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, सेक्टर 83 कहते हैं। यहाँ से इसकी दूरी है लगभग 17 किलोमीटर। वहाँ निकल चुके हैं, देख सकते हैं आप। एक्सप्रेस वे पकड़ लिया है हमने और नोएडा एक्सप्रेस वे है परी चौक, आप देख लिया जाते हैं और सूरजपुर और आपका लखनऊ उखनऊ के लिए भी इधर से निकलते हैं। ये एक्सप्रेस वे हमने पकड़ा है और सीधा निकलना है, यहाँ से लगभग हमें 10 किलोमीटर आगे जाना है, वहीं बताएंगे वहाँ। और शाम को पहुँच जाएंगे लगभग 16 मिनट दिखा रहा है। टॉप लोकेशन पहुँच चुके हैं और एड्रेस भी है, बंदा आ रहा है, गाड़ी उठवाते हैं। माल उतार दिया है और निकल चुके हैं हम, देख सकते हैं आप लोग बाहर आ गए, हम दिखाते हैं आपको। और अपना खाने का टाइम हो गया है तो खाना खा लेते हैं, खाते हैं खाने में क्या आज है। आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी, आलू पत्ता, मटर गोभी की सब्ज़ी और रोटी खा ली हुई है और चलते चलते में हमें खाना पड़ेगा। खाना पीना हो चुका है और निकल चुके हैं घर की तरफ। टाइम हो गया है 6:30, लगभग 6:30 हो चुके हैं और लगेगा कम से कम 1 घंटा में पहुँच गए। नोएडा बॉर्डर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। और अब हम यहाँ से करेंगे दिल्ली के अंदर एंट्री, दिखाते हैं आपको बॉर्डर दिल्ली और यूपी का। ये रहा बॉर्डर अपना, ये है सीमा की, हम यूपी में इस टाइम हैं और हम दिल्ली में एंट्री करने जा रहे हैं। और देख सकते हैं लगा हुआ है जाम, बॉर्डर काफ़ी जाम है और आगे निकलते हैं। धन्यवाद तुम बता रहे हैं, दोबारा आने के लिए आवाज हुआ है। दिल्ली में एंट्री हो गई अपनी, बॉर्डर पार कर दिया हमने और हम आ चुके हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली की सीमा पे। और ये रेड लाइट अपनी पार करेंगे जब फ्लाईओवर पर टोल आएगा, टोल लेना है हमें और जा जाना है। टोल जो होता है वो अपना दिल्ली में ही होता है और हम ये ऑनलाइन पेमेंट हमारी कर ली थी, हम पैसे नहीं देने पड़ेंगे हमें। आ चुका है टोल बूथ और यहाँ पे हम कटवाएंगे टोल। गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, देख सकते हैं यहीं पर हमारी भी गाड़ी लगेगी और टोल कटेगा। ये बंदा है और ये मोबाइल से काटेगा हमारा टोल।
इधर भी कट रहे हैं टोल, हो चुका टोल का काम और निकलते हैं हम। ये जो फ्लाईओवर हम चढ़ने जा रहे हैं ये है मयूर विहार वाला फ्लाईओवर, सीधा मयूर विहार अक्षरधाम होते हुए निकलेंगे हम।